Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिर चुकी है, वो देश छोड़कर निकल भी चुकी है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर एक छात्र आंदोलन इतना उग्र कैसे हो गया कि देश की प्रधानमंत्री को अपनी जान बचाकर वहां से निकलना पड़ा। ये यकीन करना मुश्किल है कि किसी देश में निहत्थे आंदोलनकारियों ने सरकार को उखाड़ फेंका। लेकिन अगर इसे समझा जाए तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि इसके पीछे विदेशी ताकतों का भी हाथ हो सकता है। पिछले कुछ सालों के घटनाक्रम पर अगर गौर किया जाए तो बांग्लादेश पर अमेरिका की पैनी नजर रही है, और जिस तरह से अमेरिकी विदेश विभाग का बयान सामने आया उससे समझा जा सकता है कि उसका समर्थन किसके साथ है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने खुद ये बात कही है कि अमेरिका बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़ा है। अमेरिका ने हसीना के इस्तीफे का स्वागत किया है और अंतरिम सरकार के गठन के लिए सभी पार्टियों को आगे आने का आग्रह किया है। शेख हसीना का इस्तीफा देना अमेरिका के लिए कोई झटका नहीं। शेख हसीना ने इसी साल मई में दावा किया था कि अमेरिका म्यांमार और बांग्लादेश की जमीन से एक नया ईसाई राष्ट्र बनाना चाहता है। हसीना ने ये बात भी कही थी कि अमेरिका बांग्लादेश में एक मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, और ऐसा ना करने पर उनकी सरकार को गिराने की धमकी भी मिल रही। अब ऐसे देखने में तो यही लग रहा कि ये एक आंदोलन था जो इतना उग्र हो गया कि हसीना को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। मगर हाल में हुई घटनाओं को देखकर ये बात समझ आ रही कि इसके और भी कई पहलू थे। चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, हसीना सरकार किसी भी देश के दबाव में नहीं आई, और शायद उसका खामियाजा अब उन्हें भुगतना भी पड़ रहा। अब बांग्लादेश में हुए चुनाव को लेकर अगर बात की जाए तो जनवरी में अमेरिका ने अपने तरीके से हस्तक्षेप करने की पूरी कोशिश की थी। चीन ने अमेरिका के बांग्लादेश की राजनीति में दखल देने की कोशिश की, खुलेआम निंदा भी की थी। बीएनपी को अमेरिका के इशारों पर काम करने की बात हसीना सरकार ने कई बार कही थी। इस छात्र आंदोलन को लेकर भी शेख हसीना के बेटे साजिब वाजेद ने भी कई मीडिया इंटरव्यू में दावा किया कि इस पूरे आंदोलन के पीछे अमेरिका और पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। बांग्लादेश ने यह भी दावा किया था कि अमेरिका को उसकी रूस से करीबी पसंद नहीं आ रही, तो ऐसे में इस पूरे बवाल के पीछे जरूर और भी कई कारण हो सकते हैं। और वैसे भी इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि एक छात्र आंदोलन की बदौलत देश में इस कदर दंगे भड़क गए कि प्रधानमंत्री को अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़ना पड़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।